हाय गाइज, माय नेम इज शेखर बरोला और मेरा नंबर है 9899123008। और हम पढ़ रहे थे इन्फॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट और उसमें गवर्नेंस के बारे में हम पढ़ना स्टार्ट किया था। और हमने जाना था कि बेसिकली हम आईटी गवर्नेंस के बारे में पढ़ेंगे। और आईटी गवर्नेंस को पढ़ने से पहले हमने पूरा एक गवर्नेंस का ओवरव्यू लेने की कोशिश की थी। और हमने ये जाना था कि ऑर्गेनाइजेशन में गवर्नेंस को दो भागों में डिवाइड किया जाता है। एक है कॉरपोरेट गवर्नेंस और दूसरा है बिज़नेस गवर्नेंस। कॉरपोरेट गवर्नेंस एक स्ट्रक्चर प्रदान करता है और बिज़नेस गवर्नेंस बिजनेस लेकर आता है। बिजनेस गवर्नेंस फ्लेक्सिबल होगा, कॉरपोरेट गवर्नेंस उतना फ्लेक्सिबल नहीं होगा। दो आजकल कॉरपोरेट गवर्नेंस में भी फ्लेक्सिबिलिटी आनी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन चेंज हो रहे हैं, इन्वायरमेंट काफ़ी तेज़ी से चेंज हो रहे हैं। और क्योंकि इन्वायरमेंट काफ़ी तेज़ी से चेंज हो रहे हैं तो कॉरपोरेट गवर्नेंस में भी चेंज आ रहा है। तो बेसिकली हमारी स्टडी में चार की फैक्टर्स दिए हुए हैं, चार की एरियाज दिए हुए हैं कॉरपोरेट गवर्नेंस के और चार की स्ट्रेटेजिक इश्यूज दिए हुए हैं बिजनेस गवर्नेंस के। तो सबसे पहले हम ये लेते हैं कि कॉरपोरेट गवर्नेंस के क्या इश्यूज़ हैं, क्या एरियाज़ हैं जिसकी वजह से बिज़नेस में सक्सेस और फेलियर आ सकती है। बेसिकली ये स्ट्रेटेजिक होंगे, टॉप लेवल मैनेजमेंट होंगे क्योंकि गवर्नेंस एक स्ट्रेटेजिक चीज़ है। गवर्नेंस का मतलब ये है टॉप मैनेजमेंट। गवर्नेंस का मतलब ये है कि अगर आपका गवर्नेंस सही नहीं है ऑर्गेनाइजेशन में तो टॉप मैनेजमेंट उतना कॉम्पिटेंट नहीं है, वो इनकॉम्पिटेंट है। इसके बारे में हम काफ़ी कुछ बात कर चुके हैं। तो पहले ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर एथिक्स के बारे में कौन रिस्पॉन्सिबल है, उसके कल्चर और एथिक्स के बारे में टॉप मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबल है। और कल्चर और एथिक्स जो है ऑर्गेनाइजेशन का वो कॉरपोरेट गवर्नेंस का पार्ट है। आप बिजनेस लेकर आ रहे हो, कोई बंदा बिजनेस लेकर आ रहा है, अनएथिकल डीलिंग कर रहा है, क्या कर रहा है, लेकिन जो वो बिजनेस लेकर आ रहा है वो तो बिजनेस गवर्नेंस का पास है, लेकिन डीलिंग किस तरीके से कर रहा है, एक लिमिट उस डीलिंग में रखना, उस ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर को रिफ्लेक्ट करना, उसके एथिक्स को रिफ्लेक्ट करना कॉरपोरेट गवर्नेंस का पार्ट है। और जब ये कल्चरल और एथिकल प्रॉब्लम्स आती हैं तो ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉब्लम होनी स्टार्ट हो जाती हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल एनरॉन के साथ हुआ, एनरॉन में अकाउंटिंग इररेगुलरिटीज़ थी। और वो अकाउंटिंग इररेगुलरिटीज़ इस तरीके की नहीं थी कि जिसे वो डिस्क्रिशनरी एरिया था जिस पर जहाँ पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स नहीं थे, और उन्होंने वहाँ पर अकाउंटिंग इररेगुलरिटीज़ ले ली थी। उन्होंने जो कॉमन सेंस से जो सोचना चाहिए था वो नहीं सोचा था, और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स उनको फॉलो करने की ज़रूरत भी नहीं थी क्योंकि थे ही नहीं उस पर्टिकुलर एरिया में। लेकिन फिर भी क्या हुआ कि डेवलप्ड कंट्रीज़ में ये बहुत ज़्यादा होता है। डेवलप्ड कंट्रीज़ में क्या होता है कि कंपटीशन इतना अच्छा होता है कि अगर आपका कॉरपोरेट गवर्नेंस फेल हो रहा है तो कैपिटल मूव करने के लिए तैयार है, कैपिटल एक जगह से दूसरी जगह मूव करने के लिए तैयार है। तो वहाँ पर ये फ्रॉड करना इतना आसान नहीं होता है, डेवलपिंग कंट्रीज़ में चल जाता है। लेकिन अब डेवलपिंग कंट्रीज़ में भी कम चलने लगा है, जैसे वर्ल्ड मार्केट इंटीग्रेट होना चालू हो गई है, इवन अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ भी अफेक्टेड होना स्टार्ट हो गई हैं। और ये चीज़ें बहुत तेज़ी से आती चली जा रही हैं। लेकिन अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है उसमें एक पर्टिकुलर कल्चरल वैल्यू है, एथिकल वैल्यू है, तो वो वर्ल्ड वाइड फैल जाती है। और वर्ल्ड वाइड फैलने के लिए उसको डेवलप्ड कंट्री में भी रहना है, डेवलपिंग कंट्री में भी रहना है, और अंडर डेवलप्ड वर्ल्ड में भी रहना है। तो बेस उसका एथिकल होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कॉरपोरेट गवर्नेंस के इंटर रिलेटेड इशूज़ में सबसे पहली चीज़ कल्चर और एथिक्स है। दूसरा चीज़ इंटरनल कंट्रोल्स, कंप्लायंस और रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क और कंट्रोल्स दोनों होने चाहिए, एक रीजनेबल लेवल के कंट्रोल्स और एक रीजनेबल रिस्क असेसमेंट, रिस्क मैनेजमेंट होना चाहिए। कंप्लायंस जो लॉज हैं उसको हमें फॉलो करना पड़ेगा, और इसके लिए कॉरपोरेट गवर्नेंस का स्ट्रक्चर खड़ा किया जाता है। और इसको स्ट्रक्चर को खड़ा करने के लिए आपके चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं। जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं उनकी क्या सैलरी होगी, उनका क्या रोल होगा, चीफ एग्जीक्यूटिव का क्या रोल होगा, ये सारी कॉरपोरेट गवर्नेंस इश्यूज़ हैं। तो अगर हम समराइज करें, हम ये बोल सकते हैं कि कॉरपोरेट गवर्नेंस इश्यूज़ जो हैं वो बेसिकली कंट्रोल्स, रिस्क मैनेजमेंट, कंट्रोल्स, कल्चर, एथिक्स, उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन में टॉप मोस्ट लेवल पर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, उनका क्या रोल होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन के लिए।
तो मैंने पहले भी कह चुका हूँ, मैं पहले ये कह चुका हूँ कि जो बुरा कॉर्पोरेट गवर्नेंस है उससे ऑर्गेनाइजेशन फेल हो सकते हैं। क्यों फेल हो सकते हैं मैंने काफ़ी बताया, डेवलप्ड कंट्रीज़ में क्यों फेल होते हैं, डेवलपिंग कंट्रीज़ में उतने कम चांसेस क्यों होते हैं उसके फेलियर के, क्योंकि वहाँ चलता वाला एटीट्यूड है। लेकिन जो डेवलप्ड कंट्री है वहाँ पर कैपिटल बड़ी तेज़ी से मूव करता है। अगर आपके आप पर्टिकुलर लेवल ऑफ कॉम्पिटिशन में आपको सर्वाइव करना है, आपकी सारी चीज़ें सही होनी चाहिए। अगर सारी चीज़ें कहीं सही नहीं है तो इन्वेस्टर को लगता है यार रिस्क है, और कैपिटल मूव करने के लिए तैयार रहता है। दूसरे एरियाज होते हैं जहां पर आप कैपिटल डिप्लॉय कर सकते हैं और पैसा कमा सकते हैं, और इसी वजह से वो डेवलप्ड कंट्री है। अगर एक अच्छा डेवलप्ड कंट्री है वहां पर कॉर्पोरेट गवर्नेंस इश्यूज की वजह से ऑर्गेनाइजेशन बहुत ज़्यादा फेल होते हैं। बिजनेस गवर्नेंस की वजह से भी फेल होते हैं, लेकिन कॉर्पोरेट गवर्नेंस की वजह से बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशनल फेलियर वहाँ पर होते हैं। तो जैसा कि मैंने पहले बोला, कॉर्पोरेट गवर्नेंस बिजनेस को फेल होने से बचाता है, बिजनेस गवर्नेंस जो है ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस के लिए जिम्मेदार होता है। दो अलग अलग पूल्स हैं, ऑर्गेनाइजेशन को फेलियर से बचाना और ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेस में लेकर आना, स्पेक्टेकुलर सक्सेस देना। और दो अलग अलग पूल कौन से हैं, कॉर्पोरेट गवर्नेंस और आपके बिजनेस गवर्नेंस। कॉर्पोरेट गवर्नेंस एक स्ट्रक्चर देता है, बिजनेस गवर्नेंस उसको मूवमेंट देता है। बिजनेस गवर्नेंस बिजनेस लेकर आता है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस में जैसे मैंने पहले बोला कि ऑर्गेनाइजेशन के जो बैकएंड डिपार्टमेंट्स होते हैं, जैसे कि एडमिन हो गया, आईटी हो गया, अकाउंट्स हो गया, एचआर हो गया, ये सब होते हैं। और बिजनेस गवर्नेंस में कौन से होंगे, सेल्स डिपार्टमेंट है, मार्केटिंग है, एडवर्टाइजिंग है, बिजनेस डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है, ये सारे बिजनेस गवर्नेंस में आएंगे। और बिजनेस गवर्नेंस बेसिकली किस लिए, क्या चीज़ देखेगा, स्ट्रेटेजिक इश्यूज़ देखेगा कि क्लैरिटी होनी चाहिए स्ट्रेटेजिक इश्यूज़ की। अगर कोई स्ट्रेटेजी बनाई उसका एग्जीक्यूशन होना चाहिए, पहले तो स्ट्रेटेजी होनी चाहिए और फिर उसका एग्जीक्यूशन होना चाहिए। और चूंकि आजकल स्ट्रेटेजिक इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, स्ट्रेटेजिक इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स हम पहले पढ़ चुके हैं। स्ट्रेटेजिक इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स का मतलब ये है कि वो पॉइंट्स जहाँ पर बिजनेस बड़ी तेज़ी से या तो बड़ी तेज़ी से ऊपर जाएगा या बिजनेस मर जाएगा, बिजनेस ख़त्म हो जाएगा, बिगनिंग ऑफ द एंड ऑफ बिजनेस या बिगनिंग ऑफ स्पेक्टेकुलर ग्रोथ। और ये आज की डेट में बहुत ज़्यादा होने लगा है क्योंकि टेक्नोलॉजी बहुत तेज़ी से चेंज हो रही है। तो कोई चेंजेस हो रहे हैं, फास्ट मार्केटिंग मार्केट कंडीशन से इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स आ रहे हैं, तो उससे रिस्पॉन्ड करने की जो कैपेबिलिटी है आपकी, वो बिजनेस गवर्नेंस का पार्ट होगी। और सबसे लास्ट में, अगर मान लिया सपोज मर्जर एंड एक्विजिशन हो रहे हैं, तो वो सक्सेसफुल मर्जर और एक्विजिशन होना चाहिए। तो क्या आपके ऑर्गेनाइजेशन की में वो एबिलिटी है, यानी कि जो बिजनेस चल रहा है, बिजनेस क्या होता है, बिजनेस में स्ट्रेटेजी होती है, जिससे में लड़ाई स्टार्ट होती है, वॉर होता है। पहले आपकी आर्मी होती है, आर्मी में क्या होता है कि एक स्ट्रक्चर होता है, जनरल्स होते हैं, उसके नीचे आपके ब्रिगेडियर्स वगैरह होते हैं, उसके नीचे और नीचे कर्नल्स वगैरह होते हैं, और उसके नीचे आपके जो आपके जीसीयूज जवान्स वगैरह होते हैं जो वॉर को लड़ाई करते हैं। तो एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर होता है, वो पर्टिकुलर स्ट्रक्चर है किस तरह से होगा, किस तरीके से, क्या प्रोटोकॉल्स हैं आर्मी के, आर्मी के प्रोटोकॉल्स बड़े स्ट्रिक्ट होते हैं, क्या है आर्मी के प्रोटोकॉल्स, वो उसकी कॉर्पोरेट गवर्नेंस है। और जब आर्मी लड़ने जाती है तो वो कितनी, उसकी स्ट्रेटेजी क्या है, वॉर स्ट्रेटेजी क्या है, किस तरीके से उस वॉर स्ट्रेटेजी, जनरल ने वॉर स्ट्रेटेजी बना दी लेकिन नीचे के लोग एग्जीक्यूट ही नहीं कर पाए, जैसे इराक में हुआ या कई कंट्रीज़ में हो रहा है आजकल। वहाँ पर क्या है कि जनरल स्ट्रेटेजी तो बनाते हैं लेकिन नीचे वाले इंप्लीमेंट नहीं कर पाते, कई बार लोग ही नहीं होते वहाँ पर, बेमानी, भ्रष्टाचार, बेमानी इतनी होती है उन आर्मीज़ में, देखा गया अफगानिस्तान आर्मी में पर्टिकुलरली देखा गया कि जैसे जैसे US विड्रॉल करने लगा वैसे वैसे वहाँ पर वो लोग थे ही नहीं उस आर्मी में, नीचे लोग ही नहीं थे। तो स्ट्रेटेजी बनाओगे तो उसको एग्जीक्यूशन भी तो करना है, तो स्ट्रेटेजी, क्लियर कट स्ट्रेटेजी होनी चाहिए उसकी, कौन सी स्ट्रेटेजी आपको चूज़ करनी है वो एक क्लियर कट स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, उसका एग्जीक्यूशन होना चाहिए। उसके बाद अगर कोई चेंजेस आ रहे हैं, एब्रप्ट चेंजेस आ रहे हैं या फास्ट मूविंग मार्केट कंडीशंस हैं, उस पर आपको रिस्पॉन्ड करना है। जैसे फॉर एग्जांपल सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर के वर्जन चेंज होते जाते हैं, टैली के वर्जन चेंज होते जाते हैं, माइक्रोसॉफ्ट में विंडो 10 लॉन्च कर दिया है, तो फास्ट मूविंग मार्केट कंडीशन है, उसके लिए आपको
आपको रिस्पॉन्सिव होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद फाइनली अगर आप मर्जर एंड एक्विजिशन कर रहे हैं, आजकल मर्जर एक्विजिशन बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, पर्टिकुलरली वेस्टर्न कंट्रीज़ में हो रहे हैं, और वो क्यों हो रहे हैं, क्योंकि ऑटोमेशन बढ़ता जा रहा है, पहला चीज़। दूसरी चीज़, टेक्नोलॉजी बढ़ती चली जा रही है। तो पहले जो बड़ी कंपनी थी वो अचानक लगता है कि छोटी कंपनी हो गई, तो कई कंपनी मर्ज कर जाती है। और मर्जर एंड एक्विजिशन का फ़ायदा ले लेती हैं। तो ये दो चीज़ें हैं, इसका हमें ध्यान देना है, इसके बारे में एग्जामिनेशन में आ सकता है। उसके बाद हमने बेस्ट प्रैक्टिसेस के बारे में बात की थी। बेस्ट प्रैक्टिसेस भी स्ट्रेटेजिक इश्यूज़ हैं, टॉप मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर आपकी कंपनी में एक टॉप मैनेजमेंट है, या आप कहीं ऑडिट करने जा रहे हैं और वहाँ पर एक टॉप मैनेजमेंट है और वहाँ बेस्ट प्रैक्टिसेस शीट नहीं है, तो आप ये समझ लीजिएगा ये मैनेजमेंट ठीक तरीके से काम नहीं कर रहा है। मैनेजमेंट का काम ही ये है, स्ट्रेटेजिक विजन्स रखना। और बेस्ट प्रैक्टिसेस कौन से एरिया में होनी चाहिए, पहली स्ट्रेटेजिक ओवरसाइट होनी चाहिए। यानी कि स्ट्रेटेजिक ओवरसाइट के बारे में हम पढ़ चुके हैं। स्ट्रेटेजिक ओवरसाइट का मतलब ये है स्ट्रेटेजी में साइट रखना, स्ट्रेटेजिक ओवरसाइट गैप्स नहीं होनी चाहिए। आपकी स्ट्रेटेजी को कॉन्स्टेंटली देखते रहना चाहिए, क्योंकि मार्केट कंडीशंस भी चेंज होती जा रही है। अगर एक लड़ाई वो युद्ध हो रहा है तो जनरल ऊपर बैठा है और उसने स्ट्रेटेजी तैयार कर ली, तो इसका मतलब वो स्ट्रेटेजी चेंज नहीं करेगा, ऐसा नहीं है। स्ट्रेटेजी कॉन्स्टेंटली चेंज होती होनी चाहिए। अगर आप स्ट्रेटेजिक ओवरसाइट नहीं है आपके मैनेजमेंट में, तो इसका मतलब मैनेजमेंट सही नहीं है। स्ट्रेटेजी को कॉन्स्टेंटली वो ओवरसी नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब मैनेजमेंट सही नहीं है। दूसरा, इंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट, रिस्क बढ़ते चले जा रहे हैं। तीसरा, बोर्ड की परफॉर्मेंस, बोर्ड किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है। कई बार इंटेंजिबल चीज़ें होती हैं, बोर्ड का परफॉर्मेंस इंटेंजिबल होता है, और उस इंटेंजिबल के लिए हम बैलेंस स्कोर कार्ड बनाते हैं। उसके अलावा एक्विजिशन प्रोसेस है। तो बेसिकली बेस्ट प्रैक्टिसेस आपके टॉप मैनेजमेंट के कॉम्पिटेंस को रिफ्लेक्ट करती है। क्या आपका टॉप मैनेजमेंट कॉम्पिटेंट है कि इनकॉम्पिटेंट है। अगर बेस्ट प्रैक्टिसेस नहीं है तो आपका टॉप मैनेजमेंट इनकॉम्पिटेंट है। बेस्ट प्रैक्टिसेस आइडेंटिफाई होनी बहुत ज़रूरी है, और ये एंटरप्राइज गवर्नेंस का पार्ट है। तो बेस्ट प्रैक्टिसेस कौन कौन सी हो सकती हैं, किस किस एरिया में हो सकती हैं। स्ट्रेटेजिक ओवरसाइट हो सकती है, एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट के एरिया में हो सकती है। एक्वायर कर रहे हैं किसी कंपनी को, तो वहाँ कौन सी बेस्ट प्रैक्टिसेस अप्लाई करेंगे। बोर्ड अगर काम कर रहा है, डे टू डे वर्किंग हो रही है, तो बोर्ड की परफॉर्मेंस कैसे आप पता करेंगे। आप शेयर होल्ड, बोर्ड कैसे दिखाएगा शेयर होल्डर्स को मैं राइटली परफॉर्म कर रहा हूँ। अगर कल की डेट में कोई फ्रॉड हो गया तो बोर्ड कैसे बोलेगा। बोर्ड को ये बोलना, बोर्ड के पास कॉन्फिडेंस होना चाहिए। और वो कॉन्फिडेंस कहाँ से आएगा, वो कॉन्फिडेंस आपका बैलेंस स्कोर कार्ड बना के आएगा। अब हमने ये पढ़ा था कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के अलावा स्ट्रेटेजी कमिटी होती है। तो कई जगह पर क्या होता है, स्ट्रेटेजी कमिटी एक प्रिपरेटरी कमिटी मानी जाती है। स्ट्रेटेजी वो बनाती है, क्योंकि बोर्ड के पास उतना कॉम्पिटेंस नहीं होता है। क्योंकि क्या होता है, शेयर होल्डर्स डायरेक्टर्स बना देते हैं, और उसी में से पैसे वाले शेयर होल्डर्स ही डायरेक्टर्स बन जाते हैं। तो कई बार उनके पास उतना कॉम्पिटेंस नहीं होता है, तो एक स्ट्रेटेजी कमेटी आपको बनानी पड़ती है। स्ट्रेटेजी कमेटी स्ट्रेटेजी बनाती है, लेकिन वो प्रिपरेटरी कमेटी होती है, वो बनाने वाली कमेटी होती है। तो यानी कि यहाँ पर और आपका सेग्रीगेशन हो गया। आप बोर्ड जो है उसका, उसको और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि स्ट्रेटेजी आए तो उसे एक बार देख ले। अगर एक्सपर्ट्स कोई चीज़ बनाकर आपको दे देते हैं, तो आप उसको क्या कहते हैं, आपके लिए एसिमिलेट करना इजी हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल क्रिकेट का गेम चल रहा होता है, तो आपको पता चल जाता है तेंदुलकर सही खेल रहा है कि नहीं खेल रहा है। वो एक एक्सपर्ट है तेंदुलकर, एक थोड़ी सी क्रिकेट के समझ वाला आदमी भी उसको उस पर कमेंट कर सकता है। लेकिन अगर उसे खुद खेलना पड़ जाए तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो कई जगह क्या होता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर उतना कॉम्पिटेंट नहीं होता, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में कॉम्पिटेंट लोग नहीं बैठे होते हैं। तो वो एक क्या करते हैं, एक स्ट्रेटेजिक कमेटी बना देते हैं, और ये स्ट्रेटेजिक कमेटी प्रिपरेटरी कमेटी होती है। ये प्रिपेयर करती है और बोर्ड को देती है, बोर्ड रिव्यू करता है। कई बार क्या होता है कि बोर्ड में डायरेक्टर्स होते हैं, बोर्ड में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होता है, बोर्ड में क्या होता है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होता है, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होता है। नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कई बार क्या होता है कि बोर्ड ही स्ट्रेटेजी बनाता है। अच्छा बोर्ड होगा तो वो स्ट्रेटेजी बनाएगा, और उसमें तो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होंगे, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होंगे। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर और होल टाइम डायरेक्टर्स होंगे, जो हर समय काम कर रहे होंगे। होल टाइम डायरेक्टर कॉन्स्टेंटली काम कर रहे होंगे। जो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स होंगे वो स्ट्रेटेजी को देख रहे होंगे। ये अलग अलग जगह अलग अलग तरीके से होता है, फिक्स नहीं होता है।
कैसी कंपनी है, क्या स्ट्रेंथ है, क्या कॉम्पिटेंस है, उसके अनुसार ये आप ये डिसाइड करोगे। तो आपको जाकर देखना है, मैंने बहुत सारे परमुटेशंस और कॉम्बिनेशंस बता दिए हैं आपको कि स्ट्रेटेजी किस तरीके से आप अप्लाई करोगे। अगर बोर्ड में है, आपकी कंपनी है, आपकी बहुत बड़ी कंपनी है और उसमें एक मेजॉरिटी शेयर होल्डर है, 40% उसी के पास हैं शेयर, या बाकी लोगों के पास 5-5% शेयर है या और कम शेयर है, तो 40% वाले के ज़्यादा बोर्ड में डायरेक्टर्स होंगे, वो खुद भी डायरेक्टर बन जाएगा। अब मालूम पड़ा वो अंगूठा छाप है, अब वो डायरेक्टर तो बन गया, वो रोज़ आता है ऑफिस में, वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का पार्ट हो गया। अब नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स उसमें हो सकते हैं, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एक दिन के लिए आते हैं, दो दिन के लिए आते हैं, तीन दिन के लिए आते हैं, कभी क्या होता है हफ्ते में एक बार आते हैं, कभी क्या होता है महीने में एक बार आते हैं, वो स्ट्रेटेजी को देख लेते हैं कि क्या स्ट्रेटेजी बनी हुई है। अगर बोर्ड कॉम्पिटेंट है तो वो स्ट्रेटेजी को देख लेते हैं, बोर्ड ने जो बनाई स्ट्रेटेजी। अगर बोर्ड कॉम्पिटेंट नहीं है तो बोर्ड एक स्ट्रेटेजिक कमेटी बनाता है, स्ट्रेटेजी कमेटी एक प्रिपरेटरी कमेटी है, वो स्ट्रेटेजी को बना देती है और बोर्ड को दे देती है, बोर्ड उसे देखता है, उसमें एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स होते हैं, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स होते हैं, उसको देखकर वेट कर लेता है। उसके बाद वो स्टीयरिंग कमेटी को भेज देता है, स्टीयरिंग कमेटी से कहता है इसको स्टीयर करना है, अब ये तुम्हारा काम है स्टीयर करना, इसको आगे चलनी चाहिए नाव, अब चलनी चाहिए, स्टीयरिंग कमेटी स्टीयर करेगी, नाव चलाएगी, और वो नीचे ऑपरेटिंग स्टाफ को दे देगा, ऑपरेटिंग एचओडीज को दे देगा, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट को दे देगा, ये स्ट्रेटेजी आई है, इसको इस तरीके से इंप्लीमेंट करना है, और उनसे कॉन्स्टेंटली मांगता जाएगा और वो बोर्ड को बताता जाएगा कि उनकी स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंट हो रही है कि नहीं हो रही है। तो कई कमेटीज़ होती हैं, आप कहोगे इतनी कमेटी की ज़रूरत क्यों है, इतनी कमेटी की इसलिए ज़रूरत है क्योंकि मार्केट में लोग फैकेड लिए हुए हैं, मतलब उनको उस चीज़ की कॉम्पिटेंस नहीं है, वो सीधे सीधे नहीं बोलते हैं कि ये सब चीज़ की हम इस पर्टिकुलर चीज़ के लिए कॉम्पिटेंट नहीं है। अगर वो बोल देंगे इस चीज़ के लिए कॉम्पिटेंट नहीं है तो हो सकता है उन्हें नौकरी से निकाला जाए, तो वो बोलते नहीं है कॉम्पिटेंट नहीं है, वो ये बोलते हैं कि हमें एक कमेटी चाहिए, एक कमेटी रख लेते हैं, कमेटी एक्सपर्ट्स की होती है, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे नेता होते हैं, राजनेता का आपने देखा कोई चीज़ होती है तो प्रधानमंत्री के अंदर जस्टिस फला की कमेटी बन जाती है, या कोई एक पर्टिकुलर आरबीआई की बैंक के पूर्व गवर्नर्स की कमेटी बन जाती है, या बहुत अच्छे इकोनॉमिस्ट की कमेटी बन जाती है, और वो कमिटी जो है बोलती है कि देश को इस तरह से चलाना है, फाइनेंस के क्षेत्र में इस तरह से चलाना है, डिफेंस के क्षेत्र में इस तरह से चलाना है। तो कमेटी के पास एक्सपर्टीज़ होती है, बोर्ड के पास कई बार एक्सपर्टीज़ नहीं होती। अगर बोर्ड के पास एक्सपर्टीज़ है तो बोर्ड को दो भागों में डिवाइड करो, नॉन एग्जीक्यूटिव और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स में। नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स जो हैं वो कभी कभी आएंगे, जैसे फॉर एग्जांपल क्या होता है कि राहुल बजाज है, या बड़े बड़े ये उद्योगपति होते हैं, ये बहुत सारी कंपनी के बोर्ड में नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की तरह होते हैं। नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का होने का मतलब ये है कि बाहर वाले इन्वेस्टर को ये पता होना कि भाई ये बोर्ड में आएंगे और यहाँ की स्ट्रेटेजी नहीं देखेंगे। कई बार क्या होता है कि ये आते ही नहीं है, कई बार रियलिटी में क्या होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल बड़े बड़े उद्योगपति होते हैं, राहुल बजाज, रिलायंस, उनको किसी के रिश्तेदार होते हैं, उनकी उसके बोर्ड में नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बन जाते हैं, लेकिन वो आते नहीं है और कंपनी भी स्ट्रेटेजी नहीं बनाती है। मतलब कंपनी का आप कहेंगे वहाँ स्ट्रेटेजी नहीं होती है, वहाँ विजन नहीं होता, वहाँ मैनेजमेंट ठीक नहीं होता। लेकिन कई जगह पर क्या है, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स आते हैं, काम करते हैं, स्ट्रेटेजी को देखते हैं, उसके बारे में बात होती है, वहाँ स्ट्रेटेजी बनती है, उसके बाद नीचे स्ट्रेटेजी कमेटी होती है। स्ट्रेटेजी कमेटी जो होती है, कई बार स्ट्रेटेजी कमेटी स्ट्रेटेजी बनाती है, कई जगह स्ट्रेटेजी कमेटी जो होती है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही होते हैं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स ही होते हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर, जो रोज़ आने वाले डायरेक्टर हैं वो स्ट्रेटेजी बना देते हैं, और नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो हैं उस स्ट्रेटेजी में लूप होल्स निकालते हैं। अब कई कंपनी में प्रॉब्लम ये आती है कि जो टॉप मैनेजमेंट में बहुत सीनियर लोग बैठते हैं और उन पर क्वेश्चन उठाना इतना आसान नहीं होता, और जब तक उन पर क्वेश्चन उठाया वो करोड़ों रुपया अंदर करके सैलरी के रूप में, रेमुनरेशन के रूप में निकल जाते हैं। और कई बार क्या होता है कि वो कई चीज़ के रिगार्डिंग की पर्सन्स होते हैं, आप उन्हें निकाल नहीं सकते, लेकिन वो ज़बरदस्ती से वो उनको उनको कॉम्पिटेंस नहीं होती, और हम उनके उनकी जो कॉम्पिटेंस है, जो वो काम कर रहे हैं उसको वैल्यू भी नहीं कर पाते, क्योंकि वो जो काम कर रहे हैं, स्ट्रेटेजी बनाना कोई टेंजिबल चीज़ नहीं है, वो इंटेंजिबल चीज़ है। कई बार आप कहते हो कि अगर कोई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आया है, या फॉर एग्जांपल कोई मैनेजिंग डायरेक्टर हमने रखा है, या फॉर एग्जांपल चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर रखा है, हम उसे परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट देंगे,
लेकिन क्या होता है कि CFO है, कोई चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर है, उसको परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट आप दे रहे हो, लेकिन ज़रूरी नहीं है उसकी कॉम्पिटेंस की वजह से वो सारी चीज़ें हो रही है, मार्केट कंडीशंस की वजह से होता है कई बार, वो काम ही नहीं कर रहा होता है, थोड़ा बहुत देख रहा होता है, वो स्ट्रेटेजी इफेक्टिवली बना ही नहीं रहा होता है, आप मेजर ही नहीं कर पा रहे होते। और बहुत सी चीज़ें जो हैं अनमेजरेबल होती हैं, जहाँ मेजरमेंट इशू होता है, जैसे मेजरमेंट, जैसे टेक्निकल टर्म्स में आप मेजरमेंट प्रॉब्लम कहते हैं। अगर मान लीजिए सपोज टॉप मैनेजमेंट में कोई चीज़ें, कई बार टॉप मैनेजमेंट में कोई चीज़ें मेजर नहीं की जा सकती, उसे मेजरमेंट प्रॉब्लम कहते हैं। मतलब कुछ चीज़ें मेजर की जा सकती हैं, कुछ चीज़ें मेजर नहीं की जा सकती हैं, फाइनेंशियल चीज़ें मेजर की जा सकती हैं, जो फाइनेंशियल चीज़ें नहीं हैं वहाँ पर मेजरमेंट प्रॉब्लम आती है। जैसे फॉर एग्जांपल फेसबुक के वहाँ डेटा है, उस डेटा की क्या वैल्यू है, कैसे लगाएंगे उसकी वैल्यू, वहाँ पर मेजरमेंट प्रॉब्लम है। तो आपने स्ट्रेटेजी बनाई, स्ट्रेटेजी बनाकर अब अगला काम है उसको इम्प्लीमेंट करना, और उसके लिए बैलेंस स्कोर कार्ड आया। बैलेंस स्कोर कार्ड स्ट्रेटेजी को एक्शन में बदलने में हेल्प करता है, क्योंकि बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे मैं पहले भी बोल चुका हूँ, वहाँ पर आपके सारी पॉलिसी प्रोग्राम सारे बने हुए हैं, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन होता ही नहीं है। उसको इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए आपको स्टीयरिंग कमेटी चाहिए, या फिर उसके बाद आप बैलेंस स्कोर कार्ड का यूज़ कर सकते हैं। बैलेंस स्कोर कार्ड मैनेजमेंट को बताता है वो कहाँ पर है, स्ट्रेटेजिकली कहाँ पर है। बैलेंस स्कोर कार्ड ध्यान रखिए एग्जामिनेशन में आए, स्ट्रेटेजिक है, टैक्टिकल नहीं है बैलेंस स्कोर कार्ड। बैलेंस स्कोर कार्ड टॉप मैनेजमेंट का स्कोर कार्ड है, टॉप मैनेजमेंट पास हुआ है या फेल हुआ है, और मोस्ट ऑफ द कंपनीज में आपको नहीं दिखेगा, क्योंकि मैनेजमेंट वो स्कोर कार्ड रखेगा ही नहीं, मैनेजमेंट चाहेगा ही नहीं कि मेरा कोई क्लास ले। और अगर मैनेजमेंट अपने आप पर अंकुश नहीं लगा रहा है, इसका मतलब वो सही मैनेजमेंट नहीं है, वो मैनेजमेंट कॉम्पिटेंट मैनेजमेंट नहीं है, उसका अगर स्कोर कार्ड होना बहुत ज़रूरी है। तो बैलेंस स्कोर कार्ड के बारे में कुछ चीज़ें जान लेते हैं। बैलेंस स्कोर कार्ड सबसे पहले टॉप मैनेजमेंट का स्कोर कार्ड है, और बैलेंस स्कोर कार्ड जो है नॉर्टन और कैप्लान नाम के आदमियों ने, कैप्लान और नॉर्टन ने कंसीव किया 1990 में। 1990 बहुत पुरानी चीज़ नहीं है, 1990s में किया, तो इसका मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। और ये क्या करता है, नॉन फाइनेंशियल इंडिकेटर पर वो मेजर करने की कोशिश करता है। और एक और चीज़, जिस समय ट्रांसफॉर्मेशनल चेंजेस आ रहे होते हैं वहाँ पर ये काम नहीं करता, मैसिव चेंजेस आ रहे होते हैं वहाँ पर काम नहीं करता। जहाँ पर मैसिव चेंजेस नहीं आ रहे हैं वहाँ पर बैलेंस स्कोर कार्ड काम करता है। जहाँ पर कोई नया सेक्टर ओपन हो रहा है, या कुछ गवर्नमेंट की ऐसी पॉलिसी आ गई कि सेक्टर वाइज वो कोई चीज़ बैन कर रही है, मैसिव स्ट्रेटेजिक इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स आ रहे हैं, वहाँ पर बैलेंस स्कोर कार्ड काम नहीं करेगा। तो बैलेंस स्कोर कार्ड के बारे में जानकारी ले लेते हैं। बैलेंस स्कोर कार्ड ज़्यादा पुराना नहीं है, 1990s में आया, कैप्लान और नॉर्टन लेकर आए, और ये बहुत इनवैल्यूएबल मैनेजमेंट टूल माना जाता है। और किसके लिए, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के लिए, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए पहली बात, और दूसरी बात आपके जो स्ट्रेटेजी है उसको एक्शंस में बदलने के लिए, और तीसरी बात नॉन फाइनेंशियल इंडिकेटर्स को कैप्चर करने के लिए। नॉन फाइनेंशियल इंडिकेटर्स में, फाइनेंशियल इंडिकेटर तो कैप्चर हो जाते हैं, नॉन फाइनेंशियल इंडिकेटर्स को कैप्चर करने के लिए बैलेंस स्कोर कार्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन फाइनली अगर मान लिया सपोज आपको आप ट्रांसफॉर्मेशनल चेंजेस हैं, बहुत तेजी से चेंज आ रहा है, स्ट्रेटेजिक इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स हैं, वहाँ पर बैलेंस स्कोर कार्ड का यूज़ नहीं होता है। तो बैलेंस स्कोर कार्ड के कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है स्ट्रेटेजिक ओवरसाइट का, बोर्ड को स्ट्रेटेजिक ओवरसाइट में मदद करेगा। अब बोर्ड देखेगा तो क्या देखेगा, उसने वहाँ पर डिवाइड कर रखा है, उसने चार चीज़ों में डिवाइड कर रखा है, इन चार एरियाज़ में बोर्ड दिखेगा, स्ट्रेटेजिक ओवरसाइट रखेगा। स्ट्रेटेजिक ओवरसाइट का वर्ड ध्यान रखिए, स्ट्रेटेजिक ओवरसाइट और स्ट्रेटेजिक ओवरसाइट गैप दोनों अलग अलग हैं। स्ट्रेटेजिक ओवरसाइट का मतलब ये है मैनेजमेंट ओवरसाइट रख रहा है, देख रहा है। स्ट्रेटेजिक ओवरसाइट गैप का मतलब है गैप पैदा हो गया, गैप पैदा ना हो इसमें स्ट्रेटेजिक स्कोर कार्ड हेल्प करेगा, इसमें बैलेंस स्कोर कार्ड हेल्प करेगा। सबसे पहले स्ट्रेटेजिक ओवरसाइट में हेल्प करता है, और किसको हेल्प करेगा, बोर्ड को हेल्प करेगा, टॉप मैनेजमेंट को हेल्प करेगा। उसके बाद क्या है कि अगर मान लिया सपोज छोटे चेंजेस हो रहे हैं उससे ये डील नहीं करता है, छोटी चॉइसेस हैं उससे ये डील नहीं करता है।
ये डील करता है स्ट्रेटेजिक चॉइसेस से और दूसरा है ट्रांसफॉर्मेशनल चेंजेस से। अगर आपके ट्रांसफॉर्मेशनल चेंजेस हो रहे हैं तो बैलेंस स्कोर कार्ड उतना सक्सेसफुल नहीं होगा, लेकिन फिर भी आप उसे यूज कर सकते हैं, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशनल चेंजेस में ये उतना सक्सेसफुल नहीं होगा, क्योंकि उसमें क्या चेंजेस आ रहे हैं, किस तरह से चेंजेस आ रहे हैं, मूवमेंट बहुत तेजी से वहां पर। लेकिन फिर भी आप स्ट्रेटेजिक चॉइसेस या ट्रांसफॉर्मेशनल चेंजेस जब हो रहे हैं इसका यूज कर सकते हैं, स्ट्रेटेजिक चॉइसेस में तो यूज कर सकते हैं। और ये कोशिश करता है, ये एक रेफरेंस पॉइंट देता है, हर चीज़ में आपकी नज़र दिलाता है। तो क्या होता है कि एक कंपनी को कहाँ पर कंपनी खड़ी है, क्या उसकी प्रोग्रेस हो रही है, क्या उसकी पोजीशन है, उसके बारे में हेल्प करता है। आपको पता चल जाएगा, मैनेजमेंट को पता चल जाएगा, अगर वो बनाने लगेगी, अगर वो मैट्रिक्स बनाने लगेगी और मैट्रिक्स बनाने की कोशिश करेगी स्ट्रेटेजिक पोजीशंस का, स्ट्रेटेजिक रिस्क का, स्ट्रेटेजिक इम्प्लीमेंटेशन का, स्ट्रेटेजिक ऑप्शंस का, तो उसे पता चल जाएगा स्ट्रेटेजिक ऑप्शंस क्या हैं, क्या ऑप्शंस हैं, क्या रिस्क हैं, क्या चीज़ें इंप्लीमेंट कर रही हैं, क्या उसकी स्ट्रेटेजिक पोजीशन है मार्केट में, आज की डेट में उसकी क्या पोजीशन है। ये सारी चीज़ के मैप्स बन जाएंगे, या मैप्स नहीं बनेंगे तो चार्ट्स बन जाएंगे, अगर चार्ट्स नहीं बन जाएंगे तो ग्राफ्स बन जाएंगे, ग्राफ नहीं बनेंगे तो आपके कहीं पर कुछ कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स बन जाएंगे। और ये सारे स्टेटमेंट्स हेल्प करेंगे मैनेजमेंट को समझने के लिए कि वो कहाँ पर है, और यही मैनेजमेंट का स्कोर कार्ड होगा। कल की डेट में मैनेजमेंट कह सकता है कि हमने इन स्ट्रेटेजिक एरियाज़ में इतने आगे हम बढ़े, क्योंकि स्ट्रेटेजिक एरियाज ही मैनेजमेंट की कॉम्पिटेंसी है। मैनेजमेंट का काम ही है स्ट्रेटेजिकली सोचना और बिजनेस रूपी वॉर को जीतना, स्ट्रेटेजिकली चलना और कॉरपोरेट गवर्नेंस को मजबूत करना। जो मार्केट में चेंजेस आ रहे हैं, एक तो ट्रांसफॉर्मेशनल चेंजेस होते हैं, एक नॉर्मल चेंजेस होते हैं। नॉर्मली मार्केट बहुत तेज़ी से भाग रहा है, और कई बार क्या है कि ये इतनी तेज़ी से भागने लगता है कि पैराडाइम शिफ्ट आता है, चीज़ें बदल जाती हैं। जैसे कोडक के बारे में हम बोलते हैं, कोडक पहले क्या करता था कि कैमरा बनाया करता था, अचानक मालूम पड़ा, अचानक एक दिन कोडक डिजिटल कैमरे की मार्केट आ गई, अचानक तो डिजिटल कैमरे की मार्केट आ गई केमिकल की जगह, तो वहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशनल चेंजेस आए। जैसे अभी IBM ने 7 नैनोमीटर्स की चिप निकाली है, 7 नैनोमीटर्स की चिप में 2000 करोड़ ट्रांजिस्टर्स होंगे, और उसके बाद उतनी छोटे 1 इंच बाई 1 इंच स्पेस में उतने ट्रांजिस्टर्स डालना इम्पॉसिबल होता चला जा रहा है। तो वहाँ पर नई चीज़ आएगी मार्केट में, तो हो सकता है इंटेल और IBM जैसी कंपनी पीछे पड़ जाए, नई कंपनी उठकर खड़ी हो जाए। ये ट्रांसफॉर्मेशनल चेंजेस होते हैं, जहाँ पर पुरानी चीज़ ख़त्म हो रही होती है और नई चीज़ आ रही होती है। जैसे फॉर एग्जांपल डायोड ख़त्म हुए एक दिन और ट्रांजिस्टर्स आए, और ट्रांजिस्टर्स ख़त्म हुए फिर इंटीग्रेटेड सर्किट्स आए। अब इंटीग्रेटेड सर्किट के बाद वेरी अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन आ गया, पहले VLSI आए, फिर अब अल्ट्रा लार्ज स्केल, पहले लार्ज स्केल इंटीग्रेशन आया, फिर वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन आया, फिर अब अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन आ गया। तो ये चेंजेस हैं जो मार्केट में आते चले जाते हैं, ट्रांसफॉर्मेशनल चेंजेस हैं, और इसका स्ट्रेटेजिकली मैनेजमेंट को इन सब चीज़ों को पता होना चाहिए, स्ट्रेटेजिक पोजीशन पता होनी चाहिए। मैनेजमेंट को ये पता होना चाहिए बैलेंस स्कोर कार्ड क्या करता है, बैलेंस स्कोर कार्ड यही करता है, इन्हीं सारी चीज़ों को मैप करने की कोशिश करता है। बैलेंस स्कोर कार्ड बेसिकली हम कहें कि मैनेजमेंट को एक दिशा निर्देश बताता है, एक चीज़ें दिखाता है, आईना दिखाता है बेसिकली। अगर हम ठीक तरीके से कहें बैलेंस स्कोर कार्ड आईना दिखाता है, बैलेंस स्कोर कार्ड जैसे हनुमान को अपनी ताकत का आभास हुआ, वैसे ही बोर्ड के पास बैलेंस स्कोर कार्ड होना चाहिए, ताकि उसको उसकी ताकत, उसकी पोजिशन का आभास हो, ताकि मैनेजमेंट बोर्ड को पता चले कि क्या काम करना है और कब करना है। तो बैलेंस स्कोर कार्ड ने स्ट्रेटेजिक चीज़ों को 4 भागों में डिवाइड कर दिया। स्ट्रेटेजिक पोजीशन यानी आज क्या पोजीशन है, जो हमारी पोजीशन है उससे ऑप्शन क्या है, उसको फिर हम कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, और रिस्क क्या है। जैसे युद्ध में आप जाते हो तो युद्ध में क्या है कि आज हमारी आर्मी कहाँ पर खड़ी हुई है, किस जगह पर आर्मी खड़ी हुई है, क्या क्या उसके पास हथियार हैं। मालूम पड़ा आर्मी आपकी सियाचिन में लड़ रही है, बोफोर्स तो वहाँ पर नहीं जा सकती है। अब स्ट्रेटेजिक ऑप्शंस हैं, ऑप्शंस क्या हैं, वो फोर्स तो यहाँ पर नहीं जा सकती, हवाई हमला यूज़ कर सकते हैं कि क्या कर सकते हैं,
फिर इम्प्लीमेंटेशन, अब हम इसको कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, कितना इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, कब कब इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, और फिर उसके बाद उसमें रिस्क क्या है। मालूम पड़ा हमने तोप चलाई और वहाँ एवलांच आ गया और पहाड़ी गिरने लगी, उसने दुश्मन के सैनिकों को तो मारा ही मारा, हमारी पूरी प्लेटून को भी नीचे दबा दिया। तो ये चार चीज़ें बैलेंस स्कोर कार्ड में चार बेसिक एलिमेंट हैं। इन चार बेसिक एलिमेंट के बारे में समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले है स्ट्रेटेजिक पोजीशन, आज ही डेट में पोजीशन क्या है। उसके बाद है स्ट्रेटेजिक ऑप्शंस, हमारे पास ऑप्शंस क्या हैं। तीसरा, ऑप्शंस हमें पता है, पोजीशन हमें पता है, अब हमें इम्प्लीमेंटेशन करना है, बेस्ट ऑप्शन को चूज़ करके उसको इम्प्लीमेंटेशन करना है। उसके बाद स्ट्रेटेजिक रिस्क के बारे में कि क्या रिस्क हैं, क्या गलत हो सकता है, क्या सही करना चाहिए ताकि वॉर हम जीत सकें, बिजनेस कॉरपोरेट वॉर हम जीत सकें। तो हमने स्टार्ट किया था एंटरप्राइज गवर्नेंस को दो भागों में डिवाइड करके। हमने बोला था एक चीज़ होती है कॉरपोरेट गवर्नेंस और दूसरी चीज़ होती है बिजनेस गवर्नेंस। और फिर हमने बोला था चार चार इसके एरियाज़ हैं, पर्टिकुलर एरियाज़ हैं, पर्टिकुलर एरिया हैं जहाँ पर आपको नज़र डालनी है। उसके बाद हमने बोला कि आपका टॉप लेवल मैनेजमेंट ये सारी चीज़ें कर रहा है, टॉप लेवल मैनेजमेंट जो है उसके परफॉर्मेंस को हम कैसे ध्यान रखेंगे, उसकी स्ट्रेटेजिक ओवरसाइट रहे, स्ट्रेटेजिक ओवरसाइट गैप ना हो, इसका कैसे ध्यान रखेंगे, और उसके लिए स्कोर कार्ड रखा जाएगा। तो जिस भी कंपनी में आप जा रहे हो ऑडिट करने के लिए, आप काम कर रहे हो और मैनेजमेंट के पास बैलेंस स्ट्रेटेजिक ओवर कार्ड, CIMA का स्ट्रेटेजिक ओवरसाइट कार्ड कहते हैं, चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट लंडन, सीमा लंडन का स्ट्रेटेजिक स्कोर कार्ड। अगर स्ट्रेटेजिक स्कोर कार्ड नहीं है तो पुराने ज़माने का मैनेजमेंट है, 1990 में आ गया था तो होना ही चाहिए, आज दुनिया बहुत फास्ट है। क्या आपका जो मैनेजमेंट टीम है, टॉप मैनेजमेंट में जो लोग बैठते हैं, उसके पास स्ट्रेटेजिक स्कोर कार्ड्स हैं? अगर उनके पास स्ट्रेटेजिक स्कोर कार्ड्स नहीं है, उनको पता नहीं है स्ट्रेटेजिक पोजीशन क्या है, उनको पता नहीं है स्ट्रेटेजिक ऑप्शंस क्या है, उनको पता नहीं है स्ट्रेटेजिक इंप्लीमेंटेशन क्या करना है, उनको पता नहीं है उनके स्ट्रेटेजिक रिस्क क्या हैं, और उसके रिगार्डिंग स्टेटमेंट्स नहीं पढ़े हैं। अगर आप अपनी कंपनी में जाते हो और वहाँ पर एक सीनियर मैनेजमेंट का बंदा बैठा हुआ है और रोज़मर्रा के काम कर रहा है, तो आप ये समझ लीजिएगा वो उतना कॉम्पिटेंट नहीं है। अगर आप किसी कंपनी में जाते हो, वहाँ पर एक मैनेजमेंट टीम है और वहाँ पर उस बंदों के कमरे में जाते हो और ग्राफ्स वगैरह लगे हुए हैं, स्टेटमेंट्स वगैरह लगे हुए हैं, उनके डिस्कशंस होते हैं, मीटिंग्स होती हैं, मैनेजमेंट टीम बैठती है, मिनट्स ऑफ मीटिंग रखे जाते हैं और स्ट्रेटेजिक स्कोर कार्ड क्रिएटेड है, तो इसका मतलब एटलीस्ट पेपर में वो स्ट्रेटेजी के टर्म्स में सोच रहे हैं, और जो वो उतना ज़्यादा पैसा ले रहे हैं वो उसका जस्टिफिकेशन है। तो स्ट्रेटेजिक स्कोर कार्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। स्ट्रेटेजिक स्कोर कार्ड के चार एलिमेंट होते हैं, सबसे पहले स्ट्रेटेजिक पोजिशन, दूसरा स्ट्रेटेजिक ऑप्शन, पहले आप पोजीशन डिटरमाइन करेंगे, फिर देखेंगे क्या क्या ऑप्शंस हैं, और ऑप्शंस के बाद उनको ऑप्शंस को इम्प्लीमेंट करना है, और इम्प्लीमेंटेशन करने में रिस्क होगा क्योंकि पता नहीं मार्केट स्ट्रेटेजिक है, लड़ाई है हो रही है, कहां पर क्या चीज़ें चेंज हो जाएं, दुश्मन क्या चीज़ नया वीपन निकाल के लिया है, नया हथियार निकाल के लिया है, कॉम्पिटिटर नई क्या चीज़ मार्केट में लिया है, कौन सा नया कॉम्पिटिटर मार्केट में आ जाए, कहाँ मार्केट में क्या स्ट्रेटेजिक इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स आ रहे हैं, अचानक